नाउ चिल्ड्रन, अभी जो मैंने आपको लास्ट टू टॉपिक में जो ब्लड का हम फंक्शन बताया था, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा फ्लो डायग्राम के थ्रू बता दूँ, ठीक है। इजी है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ओके, नाउ चिल्ड्रन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका बॉक्स में बताया फोर चैम्बर था, ओके, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये वाला जो क्वेश्चन, ये जो चैम्बर होते हैं राइट साइड, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करता है, ओके, और ये जो राइट वाले क्वेश्चन है यहाँ हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो करते हैं, ठीक है। मैंने बार बार उस लास्ट मीडियम कहा था एक्सेप्शन है, आप देखिए कैसे आपके बॉडी में लंग्स में क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, CO2 रिलीज, CO2 को तो रिलीज कर दिया गया था, ठीक है। इन्हें ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग्स से कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन्स लेके आती है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रही हूँ इसीलिए, क्योंकि एसेंशियल जितने पोर्शन या ऑब्जेक्टिव पोर्शन या वन वर्ड पोर्शन में ऐसे पोर्शन स्कूटर होते हैं, ठीक है। प्योर ब्लड आता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम, ओके, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ओके। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब ब्लड बहुत फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली कहाँ सप्लाई होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ओके, किस कौन लेके जाता है, आर्टरीज लेके जाती है। वहां पर मैंने प्लूरल फॉर्म लिखा है आर्टरीज, एक सिंगल आर्टरीज नहीं होती है, बहुत सारी आर्टरीज होती है, ठीक है। और ये आर्टरीज जैसे जैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है, ये फर्दर डिवाइडेड होती रहती है और वेसल्स बनाती है, ठीक है, वेसल्स, ब्लड वेसल्स ही कहेंगे हम लोग, ठीक है, और वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाती है, टिश्यूज तक, ठीक है। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा और डिफरेंट बॉडी फंक्शंस हुआ और वापस CO2 रिलीज होगी, ठीक है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म, ओके। अब इस CO2 ब्लड रिच को वेसल्स कलेक्ट करेगी, लेकिन वो वेसल्स कौन सी होगी, वो होगी वेन्स होगी, ठीक है। ये वेसल्स जब वापस कनेक्ट होगी तो क्या बनाएगी, वेन्स बनाएगी, और ये वेन्स सारी कलेक्ट होगी कहाँ पर मिलेगी, राइट एट्रियम में अपने ब्लड को ड्रेन करेगी, ओके। नाउ वेन्स के थ्रू देखो, और CO2 रिच ब्लड किसके थ्रू बॉडी से कहाँ पर आ रहा है, हार्ट के अंदर आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, वेन्स के थ्रू आ रहा है, ओके, CO2 रिच ब्लड। नाउ राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ओके। अब राइट वेंट्रिकल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड का फ्लो होगा लंग्स की ओर, लेकिन ब्लड को लेके कौन जा रहा है, कौन ड्रेन कर रहा है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरीज, समझ में आया, ये एक्सेप्शन है। हमने अभी जिस किया था कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन ब्रिज को सप्लाई करती है कहाँ पे, बॉडी के अंदर, ओके, बट यहाँ देखिए पल्मोनरी आर्टरीज एक्सेप्शन है, वो इम्प्योर ब्लड को कहाँ सप्लाई कर रही है, लंग्स के अंदर, ओके। और यहाँ पर हमने स्टडी किया था, दैट इज वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से